तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिक्स है। अगेन सीजीएल 2022 मेंस के लिए स्पेशली इसको ऐड किया गया है। प्री में इसके क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक या दो क्वेश्चंस। सिलेबस में बेसिकली मीन है, मोड है, मीडियन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। हालांकि स्टैटिक्स में बहुत कुछ आता है, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस, ये पांच चीजें हैं। ये पांचों चीज मैंने कवर किया है और बहुत इजीली तरीके से करवाया है। कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस है ये सफिशियंट आपके लिए। अगर फिर भी आप करना चाहो तो 20-25 क्वेश्चंस साइड से और लगा लेना, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगी नहीं। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले ना ये वीडियो देख लेना, फॉर्मूले का कैसे यूज हुआ है, फिर वो आपके लिए सफिशियंट होगा। तो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, देख लेना, वैसे अब जरूरत पड़ेगी नहीं। स्टैटिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ना है सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। हम सबसे पहले, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले आप पढ़ोगे मीन, मोड, मीडियन। ओके, मीन, मोड और मीडियन। ओके, इनके बीच का एक रिलेशनशिप है जो हमेशा याद रखना है कि आपको ना अगर तीनों निकालने के लिए दिया जाए ना, तो आप कोई दो ही निकालना। तो मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन -2 मीन। ओके, अगर मैं सिंबल के बारे में बात करूं ना, तो मीन का सिंबल है ये। ओके, एक्स के ऊपर बार लगा दो, क्या है ये? मीन है। मोड का सिंबल होता है जेड और मीडियन का सिंबल क्या होता है? एम। ओके, मीन क्या होता है? मीन का मतलब है एवरेज। अगेन, अगर आपने एवरेज वाला चैप्टर नहीं देखा है मेरा, तो वो देख लेना। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कंसेप्ट हम यहां यूज करने वाले हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, तो एवरेज आपको आना चाहिए इससे पहले। तो एवरेज वाला देख लोगे तो आपका कुछ टाइम बच जाएगा। तो ये हो गया मीन। मीन होता है एवरेज। ओके, ऑन एन एवरेज जो सबके मार्क्स होते हैं एक तरह से, वो मीन हो गया। मोड होता है जो किसी भी फ्रीक्वेंसी में ना, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। ओके, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलो यहाँ पे कितने बच्चे हैं, वी हैव, चलो छोड़ो ऐसे देख लेते हैं, हम 10, 5 बच्चों का ना हम एवरेज एज ले लेते हैं। एक का 20 है, एक का 18 है, एक का 21 है, एक का 20 है, एक का 17 है। कोई दिक्कत? ये 17 मेरी है, ये 17 मेरा साल है, बाकी तुम लोग देख लो अपना। तो 20, 18, 38, 38 और 21 कितना होता है? 49, 49, 20, 69, 70, 76, 86। कितने आ गए? 5 होगा 86। तो अगर आपसे मीन बोला जाए, तो मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल टर्म्स 86। ठीक है, 8, 1, 9, 7, 16, 6, 2, 1, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 96 आएगा ना। चेक करना एक बार, 20, 18, 38, 38, 20, 58, 59। ठीक है, 96 आएगा। तो 96 बाय टोटल टर्म कितने थे? 5। तो ये आपका आ जाएगा 19.2। ये क्या आ गया है? मीन आ गया है। ठीक है, मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? बताओ इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ है? 20। तो 20 क्या है? मोड है। 20 क्या है? मोड। मोड बहुत आसान है, जो सबसे ज्यादा बार आपको दिखे। 20 दिख रहा है ना दो बार, और कोई तो नहीं दिख रहा दो बार या उससे ज्यादा। तो 20 क्या है? मोड। अब जब बात आती है मीडियन की, तो मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ना इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो एक हो गया 17, फिर आ जाएगा 18, और फिर 20, और फिर 21। ठीक है, ये निकाल दिया ना मीडियन। अब आपको देखना है कि एन कितना है यहाँ पे। एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 5 थे ना। तो जो एन होगा ना, या तो वो इवन होगा या वो ऑड होगा। ध्यान से सुनना, या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। तो अगर ऑड होता है ना, ऑड, तो फॉर्मूला होता है मीडियन का n+1/2th टर्म। क्या होता है? n+1/2th टर्म। जो भी ये वाला टर्म होगा ना, वही मीडियन होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में कितना था? 5 ना। तो 5 + 1 6, 6/2 3। यानी कि जो थर्ड टर्म है ना, वो क्या है? मीडियन है। तो बताओ इस क्वेश्चन में थर्ड टर्म क्या है? 1, 2, 3, 20। मीडियन मतलब होता है जो बीच में खड़ा है। ऊपर वाले सब उससे बड़े होंगे, नीचे वाले सब उससे छोटे होंगे, तो वो हमारा मीडियन है। तो इस तरीके से आप मीन, मोड और मीडियन निकाल सकते हो। अब तुम चाहो तो वहां पुट करके देख लो। तो मोड इज इक्वल टू क्या था? 20 इज इक्वल टू 3 मीडियन, यानी कि 60 - 2 मीन, 38.4, 21.6 आया है।
ओके सॉरी, ये हमने अपने आप डेटा लिया है ना, शायद इसलिए नहीं आया है, अदरवाइज जो आएगा ना मोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 median - 2 mean, ये सेटिस्फाई करेगा, यानी एग्जाम में ये सेटिस्फाई करेगा, जो क्वेश्चंस आएगा ना अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे, ये डेटा हमने रेंडमली उठा लिया है, शायद इसलिए नहीं आया है, तो ये वाला जो होता है ना मोड इज इक्वल टू 3 median - 2 mean, ये जरूर सेटिस्फाई करेगा, जरूर सेटिस्फाई करेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, क्लियर है। ये है मीन, मोड और मीडियन। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह भी, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा इवन का क्या होगा, ओके अगर इवन होना, जैसे मान लो मैं ना इसमें एक टर्म और ऐड कर देता हूं, से 22, ठीक है, क्या मैंने ऐड कर दिया 22, या फिर मैं चाहूं तो 16 भी ऐड कर सकता था, ठीक है, मान लो मैं नीचे 16 ऐड कर देता हूं, इधर ये 22 रहने दो। अब देखो इवन में क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला एन बाय टूथ टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन टर्म अपॉन में टू। अब देखो इस क्वेश्चन में 6 टर्म है ना, तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म, और 6 by 2 = 3 + 1 फोर्थ टर्म अपॉन में 2, यानी कि थर्ड और फोर्थ टर्म को आपको ऐड करना है, तो तीसरा टर्म कितना है 18 और चौथा टर्म कितना है 20, तो 18 + 20/2 कितना आ जाएगा 19, ये क्या आ गया आपका मीडियन। समझ में आया, अगर इवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ऑड है तो ये वाला। स्टार्ट करें, हमें ना इसका मीन निकालना है, ओके अब देखो जरा गौर से, अभी जो मैंने किया ना उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, क्या बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, जब इसको बढ़ा देते हो ना तो वो डिस्क्रीट सीरीज बन जाता है, तो यानी कि सीरीज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सीरीज समझो क्या है, जब मैंने 5 बंदे ले लिया ना, 1 2 3 4 5, तो ये इंडिविजुअल सीरीज हो गए, ठीक है, लेकिन जब मैं इसी को थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक है, अब जैसे मान लो पूरे क्लास में 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 100 बच्चे, और 10-10 नंबर का पेपर हुआ है, ठीक है सबका, तो अब मैं एक एक करके तो नहीं लिख सकता ना किसके कितने आए, बहुत ज्यादा पड़ जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं ऐसे करेंगे, देखो 0 नंबर कितने बंदों के आए 10 बंदों के, 1 नंबर कितने के आए 2 कितने के आए 10, 3 कितने के आए 10, ऐसे कर करके मैं कहां तक चल सकता हूं, तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, ये क्या है डिस्क्रीट सीरीज है, क्लियर है, इसको हम क्या बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि ये मार्क्स है और ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है, नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स होगा ना वो फ्रीक्वेंसी है इस क्वेश्चन, जैसे ये एफआर है ना, यानी कि 4 बच्चे को 5 नंबर आए, 8 बच्चों के 6 नंबर आए, 14 बच्चों के 7 नंबर आए, 11 बच्चों के 8 नंबर आए, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा ध्यान रखना ये वाला होता है, यानी कि कितने बच्चों के कितने नंबर आए, जो नंबर्स है ना, नंबर्स जो एक्चुअली में जिसके बारे में पूछा जाता था वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो पहला सीरीज कौन सा था, इंडिविजुअल सीरीज, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद एक और सीरीज होता है जिसको हम क्लास इंटरवल सीरीज कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं उस तीसरे को, क्लास इंटरवल ही कहते हैं ना, क्लास इंटरवल। तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पूरे देश की जनसंख्या निकालनी है हमें, ठीक है, अब मैं ये लिखूं कि 0 साल के इतने बच्चे हैं, 1 महीने के इतने बच्चे हैं, 2 महीने के इतने बच्चे हैं, 3 महीने के इतने हैं, तो भैया फिर तो हो गया ना, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, 1 से 10 साल के इतने बच्चे हैं, से 20, 10 से 20 साल के इतने बच्चे हैं, 20 से 30 साल के इतने बच्चे हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा क्लास इंटरवल सीरीज, इसको शायद कुछ और कहते हैं ना, नहीं क्लास इंटरवल हो, क्लास इंटरवल ही कहते हैं, ओके तो इंडिविजुअल डिस्क्रीट और क्लास इंटरवल, जिसमें बेसिकली देखो इंटरवल होता है, ठीक है, आपके एग्जाम में ना या तो डिस्क्रीट आएगा या इंडिविजुअल आएगा, इसके क्वेश्चंस इसका यूज बहुत कम है माइनर के, मैं बता दूंगा कैसे यूज होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आ गया तो ये अकेला ही तुम्हारा 5 मिनट खा जाएगा, ठीक है, और एग्जाम बनाने वाले इतने निर्दयी नहीं हो सकते। तो अब देखो डायरेक्ट कैसे निकालोगे इसमें, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में देखो हमें हमारे पास क्या गिवन है, एक्स दे रखा है इसने कितना 5, 6, 7, 8 और 9, क्लियर है, और फ्रीक्वेंसी कितना है 4, 8, 14, 11 और 3, हमें क्या निकालना है इसका, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं एफ एक्स निकाल देते हैं या एक्स एफ निकाल देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 5 × 4 = 20, 8 × 6 = 48, 14 × 7 = 98, 11 × 8 = 88 और 9 × 3 = 27, क्लियर है, अब इसको ऐड कर दो 20, 48, 68, 166 में 88 ऐड करोगे तो कितना आएगा 254,
254 आएगा ना, 254 में 27, 281 ऐड करो तब तब तक तुम लोग। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा बोलो या समेशन बोलो मर्जी है आपकी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, इसका मतलब है सम ऑफ एफ एक्स। तो सम ऑफ एफ एक्स कितना आया है 281, और समेशन ऑफ एफ कितना आया है तो 11 3 14 14 28 8 36 4 40, कितने बच्चे हैं 40, तो इसको कर दो 7.025, क्लियर है, आया समझ में पक्का? तो इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता, ये एक डेढ़ मिनट लगता है। अब इसको और इजी कैसे कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन को देखो कैसे इजी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये वाला मिटा रहा हूं और ये भी मिटा रहा हूं, अब हम ना इसके कैलकुलेशन के साथ थोड़ा खेल करेंगे, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा था कि एवरेज चैप्टर देख कर आना, ठीक है, एवरेज में मैंने ये बता रखा है आप लोगों को। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान रखना एफ में कभी कुछ लेट नहीं करना, एक्स के साथ लेट करो, ठीक है। क्या मान लो, जो आपको अच्छा लगे ना उस पर गोला कर लो, और मैं हमेशा बीच वाले को करता हूं, ठीक है। अब यहां पे ना आप डी आई निकाल दो, क्या होता है डी आई होता है डेरिवेशन, देखना दो होते हैं डी आई, एक होता है डेरिवेशन फ्रॉम मीन, क्या होता है एक डेरिवेशन फ्रॉम मीन, जब मैं इसमें से मीन घटा दूं ना एक्स में से, वो क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेरिवेशन फ्रॉम मीन। और दूसरा होता है डेरिवेशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, यहां पे मैंने क्या किया, सात को मीन मान लिया है, क्या मान लिया हमने, मान लिया, तो ये क्या है डेरिवेशन ऑफ एज्यूम्ड, ठीक है, माय मिस्टेक, एज्यूम्ड मीन, ओके। हमने अपने मर्जी से इसको सात मान लिया, अभी तक मैंने क्या मान रखा है सात, क्या माना है सात, मीन क्या है सात है, ये एज्यूम्ड मीन है। अब देखो करेक्ट है या रॉन्ग है वो क्वेश्चन को सॉल्व करके पता चलेगा, देखो कितना सात है ना, तो अब इसमें से घटाते रहो, तो सात से कितना दूर है ये, छह से कितना दूर, सात से कितना दूर, एक जीरो एक और दो, क्लियर है। नाउ अब आपको निकालना है एफ आई डी आई, देखो करना क्या है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन देखो चार को दो से कर रहे हो, आठ को एक से कर रहे हो, ग्यारह को एक से कर रहे हो, तीन को छह से कर रहे हो, देखो आठ आठ सोलह, ग्यारह छह सत्रह, एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक, समझ में आया कैसे, ये प्लस में ये माइनस में, तो वन आ गया ना। अब देखो जो मीन आएगा वो क्या आएगा, हमने क्या एज्यूम किया था चालीस ना, सॉरी सात, हमने क्या एज्यूम किया था सात, और एक बात बताओ लेकिन जो एज्यूम किया था ये उससे ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, प्लस में आया है ना, प्लस में है तो ज्यादा है, माइनस में है तो कम है, तो कितना ज्यादा वन अपॉन में कितना चालीस। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ, क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूले वॉर्मूले भूल जाओ, सिंपल देखो हमने क्या माना था सात ना, एफ आई डी आई वन, वन डिवाइडेड बाई 40, आंसर आपका वही आएगा, क्या आ जाएगा 7.025, क्लियर है। ये हमने पहले कर रखा है, एवरेज में भी किया है और दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं में भी किया था, ठीक है। इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एक्चुअली मीन निकालेंगे ना तीन तरीके होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट मेथड जो मैंने पहले किया था, फिर ये था इसको हम बोलते थे, एक होता था डायरेक्ट मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, और बीच में एक और मेथड होता है ना डायरेक्ट और स्टेप डेविएशन के बीच में, तो ये बीच वाला मेथड है, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते होंगे शायद इसको, ठीक है, क्लियर है ना, यहां तक बढ़े आगे, ठीक है। करने का तरीका यही है, या आपने एवरेज में सीख रखा है और एवरेज को ही मीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। ब्रो 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 क्या हुआ बताओ, कुछ क्वेश्चन है, तो भी हम बीच वाला मानते हैं, कुछ भी मान लो ना यार, तुम पहले को भी मान के कर सकते थे आंसर, जो जो आपका मन करे आप उसको मान लो, पहले को मान लो, आखिरी को मान लो, मर्जी है ना भैया, एज्यूम ही तो करना है, ठीक है। अब अगर मैं आठ मान लेता तो यहां पे नेगेटिव आता, अगर मैं पांच मान लेता तो यहां पे और पॉजिटिव होता, मैंने क्यों माना था बीच में, ताकि ना ये वाले टर्म्स बड़े ना रहे, ठीक है, तो इसीलिए हम बीच वाला मान लेते हैं, बाकी तुम किसी को भी मान सकते हो, इट्स ऑन यू। अब देखो पहले 15 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, सॉरी क्या निकालना है, एवरेज अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल, एक का एवरेज कितना है 0.5, सॉरी एक का एक है, दो का
एक का छोड़ दो, पहले दो का कितना आएगा? कैसे किया, एक और दो तीन ना, पहले तीन का, तीन दो पांच और छह, छह बटे में तीन दो ना, तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव बढ़ रहा है ना, पॉइंट फाइव बढ़ रहा है। तो अगर मुझसे बोला जाए कि पहले तीन का एवरेज निकालो, ठीक है, पहले तीन का निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एन प्लस वन अपॉन में टू लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या? अगर मैं पहले चार का निकालना हो तो चार का देखो क्या आ जाएगा, चार तीन सात दोनों एक दस, दस अपॉन में चार, टू पॉइंट फाइव ना, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं, चार प्लस एक बटे में दो, ढाई आ गया ना, यहां से भी ढाई आया ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आ जाए कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, तो इसका अर्थमेटिक का फॉर्मूला, सॉरी क्या बोला था, हाँ, मीन का फॉर्मूला या अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये हो जाता है सिंपल, एन प्लस वन बाय टू, तो 15 नंबर का पूछा था ना, तो 15 प्लस एक बटे में दो, क्लियर है? ऐसे ना फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है, मतलब लोग रटने के पीछे रहते हैं कि रीजन पे नहीं जाते। अब देखो, अगर मुझे मान लो पहले कुछ ऑड नंबर का निकालना होता तो एक से ज्यादा लिया करो, ठीक है, एक से ज्यादा लिया करो, एक में गलत होने के भी चांसेस, पहला ऑड नंबर एक है ना, इसका तो एक ही है, एक और तीन का दो, दो ही है ना, एक तीन और पांच का तीन, एक तीन और एक तीन पांच और सात का चार, यानी कि तुम देखोगे कि मैंने पहले दो ऑड नंबर का एवरेज क्या आया, पहले तीन ऑड नंबर का एवरेज क्या आया, तो पहले चार ऑड नंबर का एवरेज क्या आया, पांच का कितना आएगा, छह का कितना आएगा, छह। तो अगर आपसे पूछा जाए मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन, आया समझ में, ठीक है, फॉर्मूले को समझ जाओगे ना तो फिर बहुत खेल हो जाएगा। अब ऐसे इवन का भी करके देखिए क्या, ये नेचुरल का किया था हमने, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्या था, एन प्लस वन बाय टू। अब इवन का देखते हैं, पहला था दो ना, यानी एक का दो, पहले दो का, पहले तीन का, पहले चार का क्या होगा, पहले चार का पांच, देखो कैसे, पहले चार आपका क्या आ जाएगा, दो चार छ आठ, आठ से चौदह चार अठारह दो बीस, बीस अपॉन में चार पांच ना, यानी कि अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि एवरेज ऑफ, मैं हमेशा कहता हूं कि रीजन पे जाओ कि क्यों हो रहा है, तो एन इवन नंबर अर्थमेटिक में क्या जाएगा, एन प्लस वन, तो ये तीन फॉर्मूले बन गए ना, ठीक है। अगर अरे नहीं भैया, उतना होल नंबर का भी बन सकता है ना, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तो पहले का जीरो है तो जीरो और वन, इसका पॉइंट फाइव ना, जीरो वन और टू का थ्री बाय थ्री वन, ओके, चार का तीन दो पांच एक छह बनो चार वन पॉइंट फाइव, तो कुल मिला के हो क्या रहा है, पहले चार का तीन का एक आ रहा है, तो बताओ क्या सीरीज बन रहा है, फॉर्मूला अगर याद होना तो एन माइनस वन बाई टू, ये हो रहा है क्या, चार में से एक तीन, तीन बटे में दो, तीन में से एक बटे में दो, दो में से एक बटे में दो, ठीक है, और पहले पांच का देखो, जीरो एक दो तीन चार, चार तीन सात दो नौ एक दस, दो आया ना, तो पांच में से एक चार बटे में दो, तो फर्स्ट एन होल नंबर का क्या हो जाएगा, ठीक है, और नेचुरल का एन प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूले कुछ भी बना सकते हो, जो चीज का बना दो, क्लियर है, इस चार को आप लिख लेना, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम अगर क्वेश्चंस और आते हैं तो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो याद रखना एन ऑड नंबर का एन, नेचुरल का एन प्लस वन बाई टू, जैसे इसमें पंद्रह का बोला था ना, तो पंद्रह प्लस एक सोलह बटे में दो आठ, इवन का बोला है तो एन प्लस वन, और एन होल नंबर का बोला है तो एन माइनस वन अपॉन में टू, आगे बढ़े, बढ़ गए, फर्स्ट टेन ऑड नंबर का बोला है क्या आएगा, अरे एन बाई टू अभी लिखवाया है यार, अच्छा तो मिट गया ना, एन ऑड नंबर का एन होगा तो दस ऑड नंबर का दस, तो दस इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, कोई जरूरत तो नहीं था ना करवाने का,
अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अब आएंगे, ठीक है? आपको एवरेज जैसे क्वेश्चंस लगेंगे मीन में, जो आपने एवरेज में किए थे ना। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। 50 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 100। ओके, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन 50 है, ठीक है? वन ऑब्जर्वेशन 50 इज रिप्लेस बाय 150, ठीक है? देखो, एक ऑब्जर्वेशन था 50, उसको रिप्लेस किससे किया गया है? 150 से ना। तो एक बात बताओ, जो रिप्लेसेबल नंबर है वो बड़ा है या छोटा है? बड़ा है ना। अरे, जो नया नंबर है वो बड़ा है ना, तो कुल मिला के एवरेज उससे बढ़ेगा या घटेगा? देखो, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने का। एक सिंपल तरीका ये था कि पहले कितना था मीन हमारा? 100। पहले मीन कितना था? 100, सॉरी, मीन 50 था और एन कितना था? 100, ठीक है? तो यहां से हम निकाल सकते थे सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है? तो क्या होता? एन इंटू मीन, यानी कि 50 इंटू में 100, तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5000, ठीक है? अब इसके बाद हम निकालेंगे न्यू सम ऑफ ऑल नंबर। क्या निकालेंगे हम? न्यू सम ऑफ ऑल नंबर। तो 5000 में से क्या घट रहा है और क्या ऐड हो रहा है? तो कुल मिला के कितना आ गया? 150 ऐड हो रहा है, तो कितना आ जाएगा अब? 5100, ठीक है? 5100। तो न्यू मीन क्या आ जाएगा? 5100 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आ जाएगा? 51। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है। ये तरीका आपको तब फॉलो करना है जब ना नंबर्स भी चेंज हो, एन भी चेंज हो, तो आपको ये करना है। बट इस क्वेश्चन में एन चेंज हुआ है क्या? नहीं ना, एन चेंज नहीं हुआ है, तो आपको ये वाला तरीका नहीं जाना, इसमें जाना है। अब जरा गौर से देखो, 50 को कट कर दिया गया है और 150 को ऐड कर दिया गया है। कुल मिला के 50 नेगेटिव हुआ और 150 प्लस हुआ, दैट मींस कि कितना ऐड हुआ है? 100। और एन कितना है हमारे पास? 100। एन कितना है? 100। तो 100 को 100 से डिवाइड कर दो, क्या आया? 1 ना, क्योंकि ऐड हो रहा था, तो ऐड हो जाएगा। तो 50 से क्या हो जाएगा आपका? 51। क्लियर है? यही अगर आपका रिप्लेसेबल नंबर कुछ कम होता तो हम क्या करते? जैसे मान लो कि अगर 150 को रिप्लेस किया जाता 50 से, अगर 150 को रिप्लेस किया जाता मान लो 50 से, तो 150 क्या होता? 150 को रिप्लेस किया जा रहा है 50 से, तो 150 प्लस, सॉरी, 150 माइनस और 50 प्लस, तो माइनस 100 आया था ना, 100 से डिवाइड करोगे तो नया एवरेज आ जाता 49। क्लियर है? अब जैसे ये वाला देखो, क्या है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 12। ओके, 16 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन कितना है? 12 है। ये कह रहा है इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 6 ऑब्जर्वेशन देन फाइंड द न्यू अर्थमेटिक मीन। देखो, 8 सब्सट्रैक्ट कितने से हुआ है? 6 से, तो कुल मिला के कितना कम हुआ है? 48। 48 तो कम हुआ है ना। देखो कैसे, हर 8 सब्सट्रैक्ट हुआ है 6 ऑब्जर्वेशन से, तो 8 6 बार घटा दिया, तो टोटल कितना कम हुआ है? 48। और एन कितना था हमारे पास? 16। तो कुल मिला के जो न्यू ऑब्जर्वेशन है वो कितना कम हो जाएगा? 3। पहले कितना था? 12। अब 3 कम हो गया, तो कितना आ गया? 9। सिंपल तरीका तो ये है करने का, ठीक है, कि जितना कम हो रहा है या बढ़ रहा है आप डायरेक्ट कर दो, या फिर जो बेसिक तरीका है सिंपल, पहले मीन कितना था हमारा? 12, और एन कितना था हमारा? 16, ठीक है? तो सम ऑफ ऑल टर्म्स यहां से निकल सकता था, ओके, सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या जाएगा? 192। अब देखो एक्चुअली में हुआ क्या, अब न्यू सम निकालो, तो 192 था, उसमें से क्या हुआ है कि 8 सब्सट्रैक्ट कर दिया गया 6 से, तो 48 कम हो जाएगा ना, तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 144। ये तो अभी भी 16 ही है ना, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 9। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका जो मैंने अभी बताया था पहले, कि सिंपल आप देखो कि कितना कम हो रहा है, 6 8 8 कम हो रहा है 6 से, तो कितना कम हो जाएगा? 48 6 में कम हुआ है, हुआ भले ही 6 में है, लेकिन अगर मुझे 12 के 12 में घटाना हो, सॉरी 16 के 16 में घटाना हो, तो 3 3 घट जाएगा सब में,
ऑन एन एवरेज सब में घटा दो। एवरेज का मतलब यही होता है कि एक का नुकसान सब में बांट दो, तो छह का नुकसान था हमने क्या किया 16 में बांट दिया। ठीक है आगे बढ़े। देखो यहां पे क्या दे रखा है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसका मीन कितना है 11 है। ओके यानी कि सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 11 है, तो कितने टर्म है 3, 6, 9, 1, 10 टर्म है। कितने टर्म है हमारे पास 10 टर्म है और इसका एवरेज कितना है 11 है। देखो एन हमारे पास है 10, मीन कितना है 11, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या आ जाएगा 11 इंटू में 10 यानी कि 110। तो हमारे अकॉर्डिंग इन सबका सम कितना होना चाहिए 110। अब देखते हैं इन्होंने कितना दे रखा है, तो 11 19 30 5 35 10 45 45 13 58 58 12 70 8 78 78 15 93 4 97 10 107 107 प्लस के किसके इक्वल है 110 के इक्वल है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 3। क्लियर है पक्का? तो इस तरीके से निकाला जाता है, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब आ जाते हैं मीडियन पे, मीन में हमारा सफर क्या पता आगे आ जाए। ठीक है द मीडियन ऑफ द 11, 13, 10, 9, 8, 20 एंड 30। जब सबसे पहले मैंने क्या बोला है मीडियन कभी भी निकालना हो ना उसको अरेंज कर लो, सबसे छोटा नंबर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 13 फिर 13 फिर 20, कोई दिक्कत? तो टोटल टर्म हमारे पास कितने हैं 7 है ना, 7 है ना, तो ऑड है तो ऑड में क्या फॉर्मूला बताया था मैंने n प्लस 1 बाय 2th टर्म, तो कितने टर्म थे 7 ना, 7 प्लस 1 8 8 बता मैं 4th टर्म, जो 4th टर्म है वही आपका मीडियन है 11। ठीक है एक सिंपल तरीका बताता हूं, 7 दिख रहे हैं ना आधे इधर जाए आधे उधर जाए, जो बच गया वो हमारा मीडियन है। ठीक है अब मान लो अगर ये इवन होता तो, अगर ये इवन होता तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ठीक है कितने नंबर हो गए 8 नंबर हो गए ना, तो 8 में से देखो 3 इधर से हटा दो 3 इधर से हटा दो। ठीक है बीच के दो नंबर जो है ना, जो बीच के दो नंबर है उसका एवरेज निकाल दो। ठीक है समझ में आया, एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है ये एन वेन का जरूरत पड़ेगी नहीं फिर। क्लियर है आगे बढ़े, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि एक एग्जाम में ना पास होने के लिए 40% एग्जाम चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए, कितने चाहिए 40%। 9 स्टूडेंट जो है ना जो अपेयर हुए थे उसमें से 4 फेल हो गए हैं ओके, और बचे हुए जो 5 है ना उनके परसेंटेज है 80, 52, 55, 66 और 81। रोक के करना बताओ मीडियन कितना होगा, लगाओ दिमाग। लगा दिमाग 50। अच्छा एक बात बताओ, चलो क्वेश्चन को थोड़ी देर भूल जाते हैं, कितना है तुम्हारा 52 पॉइंट, पॉइंट में आएगा किसी का? एक बात बताओ ये जो 4 फेल हुए हैं इनके नंबर कितने होंगे, 40 से कम ही होगा ना, तो यानी ये 5 जो है इसमें सबसे छोटा कौन है 52 फिर 55 फिर 66 फिर 80 फिर 81। अगर गौर से देखो तो यहां पे आपको 4 टर्म छोटे छोटे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना, टोटल टर्म कितने 9 है ना, तो 4 इधर से कट जाएगा और 4 क्या बचा। ठीक है इजी था, बहुत इजी था, बस थोड़ा दिमाग लगाना था, ले आए थे 52 फिर तो अच्छा। चलो देखो इस क्वेश्चन में मोड निकालना है, मीन और मीडियन दे रखा है तो मैंने बता रखा था मोड का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक बार इसको गूगल पे चेक कर लेना, सही है मोड इज इक्वल टू क्या है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन क्या हैगा, मीडियन कितना आपके क्वेश्चन में, मीडियन दे रखा है 5, तो 3 इंटू में 5 15 माइनस 2 इंटू में 4 8, तो 3 इंटू में 5 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 7, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। क्लियर है
क्लियर, आगे बढ़े। देखो ये कह रहा है साक्षी अटेंडेड टू द फॉलोइंग नंबर ऑफ द क्लाइंट इन द फ्रंट डेस्क ड्यूरिंग हर इंटर्नशिप ऑफ 15 डेज। 15 दिन का इसका इंटर्नशिप रहा होगा, उसमें इसने ऐसे ऐसे नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। हमें ना इसका एवरेज निकालना है, किसका, मोड और मीडियन का। किसका एवरेज निकालना है, मोड और मीडियन का। 15 डेटा है ना, तो पहला काम तो यही करो कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखो। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 6, फिर 12, 12 एक ही बार है वो भी देख लेना, फिर 13, 13 भी एक ही बार है, फिर 16, 16 कितनी बार है, एक ही बार है, दो बार है, ओके। 17, 17 है टोटल, देखो 1, 2, 3 और एक 4 बार, 17, 17, 17 और 17। फिर आगे 18 कितनी बार है, एक बार है, 18 के बाद 20 है, फिर 24, फिर 28, 32, 45। तो 3, 6, 9, 10, 13, 2, 15 हो गया ना 15। अब सबसे पहले देखो इसका मोड कितना आएगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, और अगर मीडियन बोला जाए, देखो 15 है ना, मैंने क्या बोला था, 7 टर्म हटा दो, पहले के 7 टर्म और उधर के 7 टर्म, तो इधर के मैंने 7 हटा दिए, तो 3, 6 और 1, 7 हटा दिया ना, ज्यादा हट गया क्या, ज्यादा हट गया, एक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी आपका मीडियन कितना आ गया है, 17, ठीक है, मोड और मीडियन 17-17 है, इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 17 ही आ जाएगा, 17+17 / 2, तो 34/2 कितना आ जाएगा, 17। आ गया समझ में, पक्का। अब इसमें ना हमें सम ऑफ मीन मीडियन एंड मोड तीनों निकालना है, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, अब जैसे मीन मोड मीडियन तीनों ही बोल दिया जाए ना, तो जरूरी नहीं है कि तीनों निकालो, ठीक है, दो निकालो और उससे तीसरा आ जाएगा। तो एक बात बताओ, मीन मोड मीडियन में मुश्किल क्या है सबसे ज्यादा निकालना, हालांकि है तो सारा ही आसान, सबसे मुश्किल क्या है, मीन निकालना, सबसे मुश्किल मीन निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखो हम मीन नहीं निकालेंगे, क्या था, 8, 10, 12, 12, 12 और 18, 6 टर्म है ना। तो देखो मोड कितना आ गया हमारा, देखो मीडियन क्या आ जाएगा, अगेन देखो कितने टर्म थे टोटल, 6 टर्म थे ना, तो 2 इधर से घटा दो और 2 इधर से हटा दो, अब इनका एवरेज निकाल दो, मीडियन कितना आ गया, 12। यहां से आप मीन भी निकाल सकते हो, कैसे, तो मोड का फॉर्मूला होता है 3 median - 2 mean ना, यही होता है ना, तो 12 × 3 = 36 - 2x = मोड कितना था, 12। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी कि मीन कितना आ गया, 12। आपसे क्या पूछा है, तीनों का सम, तो 12, 12, 12, 36, क्लियर है। अब एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसके अकॉर्डिंग, समझ में आ गया। वैसे इसका मीन निकालना भी मुश्किल नहीं था, 12 × 3 = 36, 36 × 18 = 54, 8 × 62 = 72, 72 / 6 = 12, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इट्स ऑन यू। एक आता है रेंज टर्म, ठीक है, रेंज बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हार्डली 1 मिनट लगेगा, सीख जाओगे। रेंज मतलब होता है जो सबसे बड़ा टर्म है ना और जो सबसे छोटा टर्म है, जो बड़ा और छोटा है उसका डिफरेंस, जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा। तो इसमें देखना सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, 14, और सबसे छोटा क्या है, 4, इनका डिफरेंस क्या है, 10, तो रेंज 10 है, ओके। एक आता है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन आपके उसमें नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस करते हैं, ठीक है। मीन डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मैंने जब बनाया था तब मैंने सोचा था करवाऊंगा, लेकिन फिर मैं आज सुबह आने से पहले सिलेबस देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि मीन डेविएशन नहीं है, हालांकि रेंज भी नहीं है, तो रेंज समझना आसान है, तो मैंने इसलिए करवा दिया। मीन डेविएशन में बेवजह नहीं पढ़ना है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस क्या होता है, आपको कोई एक चीज सीखना है दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, इसको मैं अब से SD लिखूंगा, ओके, और इसका सिंबल होता है ये, ठीक है, ये किसका सिंबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अगर आपसे वेरियंस का पूछा जाए, तो वेरियंस जो होता है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको क्या सीखना है, मेनली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, वेरियंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, इसमें भी एक होता है इंडिविजुअल सीरीज और एक आता है डिस्क्रीट और एक होता है
क्लास इंटरवल वाला, ठीक है, हम इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? अगेन उसके दो तरीके हैं, ठीक है, मैं इंडिविजुअल ही करवाऊंगा और उसके दो तरीके करवाऊंगा और आपका सब कुछ हो जाएगा उसमें, ठीक है। दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, एक होगा अंडर रूट एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ, कह लो एफ छोड़ दो, एफ रहने दो, एफ नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉर्मूला ये होगा, देखो सिग्मा समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में एन, क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन का। एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा, एक और फॉर्मूला देखो क्या है। देखो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके हैं, या तो आप एज्यूम मीन मानो या आप मीन मानो, बताया था ना मैंने, जो डेविएशन होता है दो तरीके से होते हैं, या तो मीन से होता है या एज्यूम्ड मीन से है। तो बताओ ये वाला कौन सा है? ये तो मीन से किया ना, अगर हमने एज्यूम किया होता किससे, मान के चलो किसी भी नंबर से कर सकते थे ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एज्यूम्ड मीन। तो जो फॉर्मूला होगा ना वो ये होगा, देखो सिग्मा डी आई का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। समझ में आ जाएगा क्या है? अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो एफ यहां लगा दो, इन दोनों के साथ एफ एफ लगा दो, अभी समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ये फॉर्मूला, आपको बस ध्यान रखना अभी देखो कैसे इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। और जब क्लास इंटरवल लेते हैं ना, तो क्लास इंटरवल में जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, इनके बीच में 10 है ना, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको हम आई का नाम देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये रूट के बाहर है, ये आई जो है वो रूट के बाहर है, आ जाएगा समझ में। अगर कॉम्प्लिकेटेड लग भी रहा है तो अभी थोड़ी देर में नहीं आएगा, फॉर्मूला लिख लिया ना, अब आगे करो। देखो देखो क्वेश्चंस कितने प्यार से होगा, क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। देखो हमें ना इसका वेरियंस निकालना है, वेरियंस निकालने के दो मेथड है, जैसे मैंने अभी बताया, हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन में आंसर लाएंगे कि दोनों मेथड से वेरियंस कैसे निकालना है, और बहुत इजी मेथड से। पहला मेथड में देखो क्या कर रहे हैं, एक्स आई लिख लो क्या क्या दे रखा है, 3, 6, 5, 2 और 4, यही है ना। अब सबसे पहला काम क्या करो, इसका ना मीन निकालो। क्या काम है पहला? मीन निकालो। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन, ओके, समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन, 6, 3, 9, 5, 14, 2, 16, 4, 20, तो 20 अपॉन में कितना है? 5, तो मीन कितना आ गया आपका? 4, क्लियर है। इसके बाद आपको करना है एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। पहले तो आप एक्स आई माइनस मीन निकाल दो, फिर स्क्वायर करना है। एक्स आई माइनस मीन यानी कि 3 से 4 कितना दूर है? 6 से 4, 5 से 4, 2 में से 4, 0, क्लियर है। अब आपको क्या करना है? x माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो 1, 4, 1, 4 कितना आ गया? ये 10, ये 0 ही आ जाएगा, 10, कोई दिक्कत। सो अब आपका देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताया था, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो अपॉन में n, तो समीशन ऑफ x आई माइनस मीन का होल स्क्वायर कितना दे रखा है? 10, और n कितना हमारे पास? 5, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। बट ध्यान रखना ये आया है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या आया है? स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें क्या निकालना है? वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल, इसका स्क्वायर कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? 2। ये तो एक मेथड है, ठीक है, ये तब करना है जब आपको मीन पता हो, ठीक है। लेकिन मीन ना पता हो तो कैसे करेंगे? देखो एज्यूम्ड मीन मेथड से कर दो उसको रफ, ठीक है। देखो 3 था, 6 था, 5 था, 2 था, 4 था, अपनी मर्जी से किसी को भी ए लेट कर लो, 4 हम नहीं मान रहे यहां पे, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे ये एक्स आई था ना, तो हम यहां ना डी आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डी आई। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड, ओके। अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको ए मान सकते हो, जिसको चाहो मीन मान लो। किसको माने? 4 को नहीं मान रहे क्योंकि हमें पता है कि 4 मीन है, तो मैं इसको ना 5 को मान लेता हूं। किसको मान लेता हूं? 5 को। अब जरा गौर से देखो कितना दूर है, और ये 1, 0, -3 और -1, कोई दिक्कत। ये हमने डी आई निकाला है, अब आपको क्या करना है? डी आई का स्क्वायर निकालना है। तो डी आई का स्क्वायर 2 दूनी 4, 1, 0, 9 और 1, तो 9, 1, 10, 11, 4, 15, और ये कितना आ गया? 1 से 1 गया -5, कोई दिक्कत। सो इसमें देखो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है,
समीशन ऑफ डीआई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस समीशन ऑफ डीआई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर? जरा गौर से देखो, समीशन ऑफ डीआई का स्क्वायर क्या आ जाएगा? यहां पे हमने निकाल रखा ना 15 अपॉन में 5 माइनस समीशन ऑफ डीआई कितना आया है? माइनस 5। कंफ्यूज मत होना कि कौन कहां है, तो माइनस 5 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर। तो 15 अपॉन में 5 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा ये रूट 2। ये रूट 2 क्या है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, हमें क्या निकालना है? वेरियंस। तो रूट 2 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है? ये वेरियंस है, यानी कि मेथड कोई सा भी हो आंसर वही आने वाला है। क्लियर है? यार एसी चलवा सकते हो, गर्मी नहीं लग रही? जस्ट हैंग ऑन। ये एसी चलवा देना। ओके, आई होप क्लियर होगा यहां तक। आगे बढ़े। अगेन अब देखो, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब हम करेंगे डीआई मेथड से ज्यादा, किससे करेंगे? डीआई मेथड से, क्योंकि एग्जाम में ना आपका डीआई के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तुम्हें पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि आखिरी के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डीआई का बहुत यूज है। तो देखो कैसे आएगा, 4 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12, 13 और 14। हमें क्या निकालना है? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो अब देखो, मीन निकालने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करना, अब मर्जी आपकी। बीच में मुझे ये दिख रहा है ना, मैंने इसको एज्यूम कर लिया। अब देखो ये xi था, अब di निकाल दो। तो 4 6 कितना आएगा? -6 -3 -1 0 2 3 और 4। 4 3 7 2 9 6 3 9 -1। ठीक है, यानी कि मीन के बहुत क्लोज पहुंच गए हम। अब क्या करना है आपको? di का स्क्वायर कर देना। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9 1 0 4 9 और 16। 16 9 25 4 29 30 39 6 45 30 75। क्लियर है? अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। समीशन ऑफ डीआई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस समीशन ऑफ डीआई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। देखो समीशन ऑफ डीआई स्क्वायर कितना निकाला हमने? 75। और टोटल टर्म कितने थे हमारे पास? 3 3 6 7। कोई दिक्कत? माइनस समीशन ऑफ डीआई, डीआई का सम कितना था? माइनस 1 अपॉन में 7 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के आ जाएगा आपका 75/7। कैलकुलेटर निकालना, ठीक है? यहां आप निकाल लो, वहां मत निकालना। 10.7 माइनस 1/49 कितना आएगा? 0.02 समथिंग। ठीक है, तो अंडर रूट 10.5 के अराउंड आएगा आंसर। 10.5 किसका? 3.5 के अप्रोक्स। चेक करना क्या है, 10.5 का रूट करो। सो मुझे लग रहा है ये आएगा आंसर 3.24। नहीं, चलो एक बार इसको पूरा सॉल्व ही कर देते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से करो। 75 को 7 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है? 10.71। और 1/7 का स्क्वायर करो, या 1 को 49 से डिवाइड करो, 0.02। ओके, यहां गलती हो गई थी हमसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10.69। अब करना इसका रूट, 10.69 का रूट 3. अभी भी वही आ रहा है 3.269। हमने कहीं गलती की है? 10 माना था, 4 में से 6, 7 में से 3, 9 में से 1, ठीक है, 12, 2, 3, 4, 16, 9, 25, 4, 29, 30, 30, 9, 39, 75, ठीक है। क्या कह रहे हो? 4, 3, 7, 2, 9, 9, माइनस 1, ठीक है, ये ठीक है। DI का स्क्वायर अपॉन में N, 75 अपॉन में 7 ही है ना ये, 6, 1, 7, ठीक है। और समीशन ऑफ DI 1 अपॉन में 7, 75 अपॉन में 7, 10.71, 10.69 का रूट। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा तुम्हारा? 3.26। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है? एक बार घर पे आप देख लेना, फिर भी अगर कहीं प्लस माइनस की गलती हुई हो तो। तरीका मेनली यही है, प्लस माइनस की गलती हो सकती है, ठीक है? एग्जाम में हालांकि इतना मुश्किल क्वेश्चन देगा नहीं, इतना कैलकुलेटिव नहीं देगा वो,
ठीक है, वो आपसे इजी ही पूछेगा, और एक्चुअली में इस टाइप का पूछेगा ही नहीं, मैं बताऊंगा आने अभी क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये कह रहा है द सम ऑफ डेविएशन अबाउट द मीन इज ऑलवेज, अभी हमने किया था, मैंने क्या बोला था कि अगर कभी भी एग्जैक्ट मीन मान लोगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने एग्जैक्ट मीन 4 मान लिया था, तो उसका डेविएशन कितना आया था, सम हमेशा 0 आएगा, हमेशा क्या आएगा डेविएशन का सम 0 हमेशा, ध्यान रखना इस चीज को कि अगर तुम एग्जैक्ट मीन निकाल दोगे ना तो डीआई क्या आएगा 0, इसका आंसर 0 है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कह रहा है कि 20 ऑब्जर्वेशन का ना जो वेरिएंस है वो 5 है, ओके। अब सारे ऑब्जर्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, किससे मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तो नया वेरिएंस क्या होगा, ठीक है, समझना इस चीज को। जब कभी भी मल्टीप्लाई किया जाता है प्लस माइनस में वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी प्लस करो कुछ भी माइनस करो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सभी में प्लस कर रहे हो सभी में माइनस कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, जब रैंडमली प्लस माइनस करोगे तब फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना, ओके। वेरियंस एक्चुअली होता पता क्या है, कंसिस्टेंसी होती है, क्या होती है ये कंसिस्टेंसी, जिसका वेरियंस जितना कम है वो उतना ज्यादा कंसिस्टेंट है, जैसे तुम विराट कोहली का निकालोगे ना वेरियंस तो वो कम आएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, क्यों, क्योंकि जो विराट कोहली है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो अगर सभी में 4-4 नंबर बढ़ा दे या 5-5 नंबर बढ़ा दे सभी में, तो क्या उसकी कंसिस्टेंसी पे फर्क पड़ा है, नहीं ना, क्योंकि सभी में चेंज हो रहा है ना, वो बार बार वही कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 100 रन हर मैच में मार रहा हूँ, अगले मैच से मैंने हर मैच में 150 मारना स्टार्ट किया तो मेरी कंसिस्टेंसी नहीं कम हुई है, या मैं अगर 50 भी मारना स्टार्ट कर दूं ना सब में तो भी मेरी कंसिस्टेंसी, फिर मेरा नया कंसिस्टेंसी वही हो जाएगा, तो वेरियंस चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो जाए ना तो होता है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में आता है ना, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू में ओल्ड वेरिएंस, जिस भी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर, डिवीजन में भी यही करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, डिवीजन में इसी को डिवाइड कर देते, आया समझ में। अब जैसे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12 वैल्यू इज 3, इफ ईच वैल्यू इज इंक्रीज बाय 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर नंबर ही बढ़ रहा है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, घर पे तुम चाहो तो 3 नंबर 4 नंबर लेके करके देख लेना, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो न्यू वेरियंस क्या आएगा 9, ओके, पहले भी 9 ही था ना, ध्यान रखना, इसमें इसने स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और पूछा है वेरियंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो 9 ही आएगा ना, वो भी 9 ही है, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द वेरियंस ऑफ 5 वैल्यू 0.64, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो रूट कर लो, 0.64 का रूट होगा 0.8, ओके है, इजी था ये भी। अब आ जाते हैं ये क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांस है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो याद रखना, मैंने क्या लिखवाया है डीआई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ आई डीआई अपॉन में एन का होल स्क्वायर, ठीक है, जो मैंने डीआई लिखवाया था ना, और अगर आई दे रखा है तो क्वेश्चन में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है, तो देखो एफ आई डी आई का स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप खुद देखो क्या क्या दे रखा है, एफ आई डी आई का स्क्वायर कितना है, एफ डी का स्क्वायर 488, एन कितना है 125, माइनस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 2 अपॉन में एन कितना है 125 का स्क्वायर इंटू में 10, क्लियर है, सॉल्व इसको घर पे करना, ठीक है, यहां करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, नंबर्स आपको छोटे छोटे देगा, वो इतना बड़ा नंबर नहीं देगा कि 125 दे दिया वो नंबर, वो आपको ऐसे नंबर देगा, वो बस चेक करेगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला आता है नहीं आता, ये तरीका आता है नहीं आता है। तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, एग्जाम से एक दिन पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आ जाए ना, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये तीनों जरूर देख लेना, बाकी चैप्टर्स आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो रखी होती है ना कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। 19वां क्वेश्चन देखो, ये लास्ट है, इतना ही था एक्चुअली, छोटा सा चैप्टर है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ही तो सीखना था आपको, सेम वही है, निकाल दें इस वाले क्वेश्चन का आंसर, कैलकुलेटर निकाल लो, क्या होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर 1310 डिवाइडेड बाय एन 480 माइनस में एफ डी कितना है माइनस 220 है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 480 का होल स्क्वायर इंटू में आई कितना है
5 है। ठीक है, क्या निकालने के लिए बोला है इसने, स्टैंडर्ड डेविएशन ना करना इसको, 131 को 48 से डिवाइड करो, कितना है 2.72 माइनस 220 को 48 से डिवाइड करना, जीरो पॉइंट फोर फाइव, इसका स्क्वायर करो, 0.45 का 0.20, उसमें से 2.75 घटाओ, 2.52, इसका रूट निकालो, 1.6 के अराउंड होगा, 1.6 मान लेते हैं। ठीक है, 1.6 इंटू में 5 कर दो, 8, 8 के आसपास है कोई नंबर, 7.9 नंबर। ठीक है, 1.58 को 5 से करते तो यही आता। ठीक है, आया समझ में? तो मेनली स्टैटिक्स में इतना ही है, ये भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस कम है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं देगा वो सिंपल 4 या 5 नंबर दे देगा, जैसे 4-5 क्वेश्चंस पहले किया था, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस निकाल सकते हो, या फिर वर्ड प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे आया था ना सम ऑफ डेविएशन कितना होगा, 0, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, वेरियंस का रूट, इस टाइप से। ठीक है, तो स्टैटिक्स में इतना ही था, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि भैया इसके 200-300 क्वेश्चन आने लग गए, मैं बार बार कहता हूं मेंस की तैयारी कर रहे हो तुम, प्री नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, बंद कर देना।